आप देख सकते हैं ये श्रीनगर की वैली है और ये तपस्या स्थली है, यहीं पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। दिखा देता हूँ मैं आपको क्लोज से। तो ये भाई बेताल और विक्रम की जोड़ी बन गई है। गाइस फाइनली 2.5 किलोमीटर का हाइक करके और अनगिनत सीढ़ियां चढ़ के अभी मैं पहुंच गया हूं शंकराचार्य मंदिर में, जो कि डल लेक से सामने दिखता है और काफ़ी हाइट पे है। ये सामने आप देख सकते हैं ये श्रीनगर की वैली है और कैसे सुनियोजित तरह से बसी हुई है, और सामने हिमालय श्रृंखला भी है। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर, काफ़ी लाइन लगी है। हालत ख़राब हुई भाई, बहुत पसीना आ गया कि पैदल चलना पहाड़ पे, वो भी एकदम स्टीप चढ़ाई थी। ये है ऊपर टेम्पल और यहाँ भी एकदम सीधी चढ़ाई है, ऊपर में है वो टेम्पल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर की ओर। चलो भाई चढ़ते हैं। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इनसाइड द टेम्पल इज प्रोहिबिटेड बाय ऑर्डर ऑफ द टेम्पल मैनेजमेंट। भाई फोटोग्राफी अंदर मना है, वीडियोग्राफी भी मना है, और ये काफ़ी बड़ी सी लाइन लगी है यहाँ पर। तो देखते हैं अपना नंबर किधर से आएगा। तो कुल मिला के वीडियो तो नहीं बनाने वाले अंदर, क्योंकि वीडियोग्राफी मना है। और ये देखो भैया हमारे शॉर्टकट मारते हुए इधर से। फाइनली अभी हमने दर्शन कर लिए हैं जो मंदिर था अंदर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग है और आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं, अष्ट धातु की मूर्ति भी है। तो अंदर कैमरा ले जाना मना था, और धार्मिक स्थितियों को देख के मैं कैमरा मैंने ऑन नहीं किया अंदर। और अभी ये जो हमारे सामने है ये तपस्या स्थली है, यहीं पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। दिखा देता हूँ मैं आपको क्लोज से। तो फाइनली गाइस हमने कर लिया है अभी मंदिर का दर्शन, और अगर आपको इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ओ मेरी आँख मत बंद करो। तो करते हैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव बोलो। हमारा मम्मी का मैं चाची की बोलो ओम बोलो ओम ओम हर हर महादेव हमारा हर हर महादेव हमारा हर हर महादेव को पता नहीं क्या बोलना है, बोलो हर हर महादेव हमारा महादेव बाय बाय। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर गोपाद्री नामक पहाड़ी पर बना यह शिव मंदिर मूलतः गेटेश्वर को समर्पित था। अद्वैतवास के महान प्रेरणा शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध इस पहाड़ी से श्रीनगर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऊंची अष्टभुजाकार जगती जिस पर यह मंदिर स्थित है एवं इसका सोपान मार्ग स्पष्टता पूर्ववर्ती है, जो संभवतः परंपरा के अनुसार गोपादित्य के द्वारा निर्मित भवनों के अंग रहे होंगे। मंदिर का ऊपरी भाग पर्वतीय है, इसका गर्भगृह भीतर से गोलाकार तथा बाहर से वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक दिशा में दो दो फटिकाएं हैं। उत्तर की ओर एक नीचा कोष तथा दक्षिण पूर्व में एक जलाशय भी स्थित है। गर्भगृह में लिंग स्थापित किया गया है। सीढ़ियों को पार्श्व दीवार पर मूलतः दो फारसी अभिलेख लगे हैं, जिनमें से एक 1069 ईस्वी का है। दूसरे अभिलेख के अनुसार मंदिर का विकान एवं स्तंभ शाहजहां ने 1644 ईस्वी में बनवाए थे। मंदिर का विकान मूल रूप से अंडाकार था, जो कंजूर पत्थरों से बनाया गया था। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर मंदिर को छठी सातवीं शताब्दी का माना जाता है।